दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से तीसरे राउंड की बातचीत भी रही बेनतीजा, रास्ता खोलने पर नहीं बनी सहमति। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने सीए और एनआरसी वापस लेने की मांग की, कहा शाहीन बाग नहीं है मिनी पाकिस्तान, हम है भारतीय। शाहीन बाग रोड खोलने पर वार्ताकारों ने एसएचओ से सवाल पूछा, क्या सड़क खोलने पर प्रदर्शनकारियों को आप दे सकेंगे सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त वार्ताकारों को एसएचओ ने दिया जवाब, हम सुरक्षा देने को तैयार, प्रदर्शनकारियों ने लिखित में जवाब मांगा। हेगड़े ने प्रदर्शनकारियों से कहा, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ क्योंकि संविधान में सबको प्रदर्शन करने की आजादी, लेकिन सड़क खुलनी चाहिए। सीएए पर देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सीएम बनने के बाद दिल्ली में पहली मुलाकात। मुलाकात के बाद मीडिया से बोले उद्धव, सीएए से किसी को डरने की जरूरत नहीं की बात, सीए आ गया तो किसी को डरने की बात नहीं है। ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उद्धव का बड़ा बयान, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया, विरोध करने वालों को समझने की जरूरत। उद्धव ने 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनसे मिले। विवादित बयान पर चौतरफा घिरे पूर्व विधायक वारिस पठान की सफाई, कहा गलत तरीके से पेश किया गया। वारिस पठान के विवादित बयान पर ओवैसी का एक्शन, मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी। औरंगाबाद में वारिस पठान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन में पुतला जलाया। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर देशद्रोह लगाने की मांग की, पार्टी को भी प्रतिबंधित करने की मांग। एमएनएस नेता बालक नंदगोनकर की वारिस पठान को खुली धमकी, कहा दोबारा दिया ऐसा बयान तो महाराष्ट्र से बाहर कर देंगे। बीजेपी ने ओवैसी की रैली पर खड़े किए सवाल, पात्रा बोले मन में है खूट। हिंदू जागरण मंच का बेंगलुरु में प्रदर्शन, ओवैसी की रैली में पाकिस्तान के समर्थन के नारों का विरोध किया। ओवैसी की मंच से पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगाने वाली लड़की को जेल भेजा गया, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पाकिस्तान वाले नारे लगाने वाली लड़की के चिकमंगलोर के घर पर तोड़फोड़, बढ़ाई गई सुरक्षा। लड़की के पिता ने भी किया बेटी के बयान का विरोध, बोले मिलनी चाहिए सजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में वारिस पठान का सिर कलम करने पर 11 लाख का इनाम अल्पसंख्यक सामाजिक संगठन ने ऐलान किया। भीम आर्मी के सीएए और एनआरसी को लेकर भारत बंद का तेजस्वी ने किया समर्थन, 23 फरवरी को किया है बंद का ऐलान। संघ के खिलाफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का हंगामा, नागपुर में आरएसएस कार्य मुख्यालय के सामने लहराएंगे तिरंगा, कहा आरएसएस नहीं करती तिरंगे का सम्मान। दिल्ली पुलिस ने जामिया के कुछ छात्रों को नोटिस भेजा, हिंसा को लेकर सवाल जवाब। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम मोदी ने चादर भिजवाई, केंद्रीय मंत्री नकवी समेत कई नुमाइंदे मौजूद रहे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का विवादित बयान, हाजीपुर की रैली में नीतीश कुमार के सियासी वध के नारे लगवाए। बिहार से पलायन रोकने के लिए चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा, 14 अप्रैल को इस यात्रा का गांधी मैदान में होगा समापन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर बोले गोली मारो वाले नारे का समर्थन नहीं करते। निर्मला सीतारमण से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आर्थिक विकास को लेकर चर्चा हुई। पटना में शिवरात्रि में शामिल हुए नीतीश कुमार, सिक्किम के राज्यपाल भी साथ रहे। नसबंदी के आदेश को लेकर बैकफुट पर कमलनाथ सरकार, वापस लिया सर्कुलर। कमलनाथ सरकार ने एमपी में जारी किया था फरमान, नसबंदी का लक्ष्य पूरा न होने पर वेतन काटने की धमकी दी थी। आदेश से के बाद भड़की एमपी की सियासत, शिवराज सिंह बोले एमपी में इमरजेंसी पार्ट टू। कमलनाथ ने फिर मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, कहा देश के लिए जानना जरूरी कि कितने लोग मारे गए। एयरफोर्स कोई फेक काम नहीं करते, पर जानकारी तो दे, जानकारी दे देश को, आपको दे जानकारी कि हमारे आर्मी एयरफोर्स कोई फेक काम नहीं करते, पर जानकारी तो दे, जानकारी दे देश को, आपको दे जानकारी।